तो इस तरीके की लगती है गाइस, दिस यार सिग्मा जो है फ्रंट की लुक के अंदर आपको जो है यहाँ पे टू कीज अवेलेबल हो जाती है व्हीकल के साथ में, विद लॉक अनलॉक का जो है आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अनलॉक करते हैं यहाँ पे जो है बीप का साउंड भी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके की लगती है गाइस जो है फ्रंट की लुक। फ्रंट की अगर लुक की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है विद येलो हेलोजन के साथ में, जो की काफी अच्छी तरीके से लगता है। बेस मॉडल है, बेस मॉडल के आपको जो है क्रोम की ग्रिल मिल जाती है, ऐसा फील नहीं आएगा बेस मॉडल जैसा दिया हुआ है। सुजुकी का लोगो, अपर क्रोम आपको जो है डाउन साइड क्रोम मिलता है, इस तरीके का लगता है। यहाँ पे फॉग लैंप का प्लेसमेंट कोई भी यहाँ पे जो है गाइस फॉग लैंप नहीं आता है गाड़ी के अंदर, सियाज लिखा गया है यहाँ पे। उसके पहले मैं जो है आपको चेकआउट करा देता हूँ इंजन बे, तो इंजन बे भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने कर लिया बोनट ओपन। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो है बोनट थोड़ा हेवियर सेट दिया हुआ है। यहाँ पे जो है इंसुलेशन डैम्पिंग आपको अवेलेबल हो जाती है। उसी के साथ साथ देख लीजिए किस तरीके का लगता है इसका इंजन बे। अगर इंजन बे की अगर बात करूँ, 1.5 सीसी का जो है इंजन आपका आता है विद माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ में, जिसे स्मार्ट हाइब्रिड वी करके बोला जाता है। चलते साइड प्रोफाइल में गाइस, गाड़ी की अगर साइड प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है स्टील व्हील मिल जाता है, अभी आपको जो है व्हील कैप मिल जाता है। अभी गाड़ी में कोई एक्सेसरीज नहीं है, जो एक्सेसरीज रहेगी मैं आपको बता दूंगा। इस समय कोई एक्सेसरीज अभी यहाँ पे नहीं है। व्हील कैप आपको मिल जाता है सिग्मा मॉडल से ही, मतलब भी मिल जाता है आपको सिग्मा मॉडल से। आपको जो है स्टील व्हील मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं टायर की बात करूँ तो 185 बाय आपको मिल जाता है 65 R15 इंच का जो है यहाँ पे टायर मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको जो है इलेक्ट्रिक ओवाबीएम मिल जाता है, पर ये इलेक्ट्रिक फोल्डेबल नहीं रहेगा, मैनुअली ही आपको जो है फोल्ड करना पड़ेगा गाइस इसको, देखिए। और यहाँ पे जो है इंडिकेटर मिल जाता है, वो अच्छी बात है, पैनल में इंडिकेटर नहीं दिया है आपको, आपको जो है ओवाबीएम में इंडिकेटर मिल जाता है। पीछे की अगर मैं बात करूँ, आपको जो है हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं, सॉरी हेलोजन टेललैम्प मिल जाते हैं आपको। इसके अंदर कोई एलईडी वाला मॉडल नहीं मिलता, एलईडी सेटअप नहीं आता हेडलैम्प टेललैम्प के अंदर, क्योंकि बेस मॉडल है गाइस ये गाड़ी का। यहाँ पे जो है माइल्ड हाइब्रिड लिखा हुआ है, सुजुकी का लोगो, सियाज, यहाँ पे जो है आपको काफी ब्रॉड जो है पीछे की स्क्रीन देखने मिल जाएगी। यहाँ पे डी फॉगर भी आपको अवेलेबल हो जाता है, नेक्सा लिखा गया गाइस यहाँ पे। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रेट अवे जो है बूट स्पेस ओपन, बूट यहाँ से जो नहीं हो रहा है मैं गाड़ी को जो है अनलॉक यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद जो है एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, यहाँ अगर आप प्रेस करेंगे यहाँ से हम लोग जो है अनलॉक कर सकते हैं। गाइस बूस्ट कर लिया अनलॉक, यहाँ पे दिया हुआ इंसुलेशन डैम्पिंग जो कि मुझे अच्छी लगी है बात। यहाँ पे शूट कर रहा हूँ 2023 में वीडियो, इस तरीके का लगता है गाइस। इसके अंदर बूट 510 लीटर का जो है बूट स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है, 510 लीटर का अगर यहाँ पे देखते हैं तो। अप में जो है आपको लाइट भी मिल जाती है गाड़ी के अंदर, बूट जो है काफी डेप्थ है अंदर देखेंगे आप तो। और सारी जगह जो यूज किया गया है काफी सारा मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे जो है स्पेयर भी मिल जाता है स्टील में, सेम साइज में मिलता है आपको जो है 185 R15 का जो है आपको सेम साइज मिल जाता है। टूल किट जो है यहाँ पे इसके अंदर अभी आई हुई है, बाद में इसके अंदर आप जो है नीचे रख सकते हैं। यहाँ पे उसके अंदर आपको डेफिनेटली जो है प्रीमियम फील मिलेगा अंदर। जैसे बेज कलर का जो है इंटीरियर यूज किया है, यहाँ थोड़ा सा लेदर अपोस्टिक यूज किया हुआ है, या वुडन फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे जो है क्रोम ट्रीटमेंट यूज किया है आपको जो है प्रीमियम फील देने के लिए, प्रीमियम टच देने के लिए। उसके बाद आपको जो है ऑटो पेस्ट कार्ड भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, ऑल पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग। इसके बाद आपको जो है चाइल्ड विंडो लॉक का भी ऑप्शन आपको आप देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पे जो है कोई भी इलेक्ट्रिक ओवरव्यू जो है फोल्ड का ऑप्शन नहीं मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे जो है आपको कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है, मैगजीन होल्डर की स्पेस मिल जाती है, यहाँ स्पीकर मिलता है आपको, यहाँ गाइस जो है ट्यूटर मिल जाता है आपको, जो कि अच्छी बात लगी सिया सिग्मा के अंदर। गाइस ये कुछ है गाड़ी का जो है साइड व्यू, इंटीरियर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है सीट्स आपको जो है फैब्रिक अवेलेबल हो जाती है। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे टू वे एडजस्ट आपकी जो है सीट हो जाती है, तो फ्रंट एंड बैक, उसके साथ साथ जो है रिक्लाइन हो जाती है। बट यहाँ पे जो है सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं आता है। नेक्सा की जो है अभी मैटिन इस समय एक्सेसरीज इंस्टॉल की है। बाकी बात करेंगे हम गाड़ी के अंदर चल के, डोर क्लोज करता हूँ उसका भी एक बार आप जो है साउंड सुन लीजिए। आई होप आपका साउंड फीडबैक अच्छा आया होगा। तो गाइस मैं कर लेता हूँ स्विच इन, उसके पहले आप जान लीजिए यहाँ जो है क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। एफएम शुरू हो गया था, उसके बाद जो हेडलैम्प लेवलिंग मिल जाते हैं, ऑब्वियसली आइडियल स्टॉप स्टार्ट का फीचर मिल जाता है आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, अभी ESP जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको जो है सभी गाड़ियों में मिल जाता है, नेक्सा के सभी गाड़ी में अवेलेबल होती है, जो कि बहुत अच्छी बात लगी। वुडन फिनिश, यहाँ पे एसी वेंट को बंद करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ जो फंक्शन है, ये हेडलैम्प के फंक्शन है प्योरली। उसी के साथ यहाँ पे जो है वाइपर के फंक्शन दिए हुए हैं। इस तरीके का लगता है गाइस ये स्टेयरिंग इसका, स्टेयरिंग में कोई लेदर रैप नहीं आता है आपको। यहाँ पे जो है सॉफ्ट टच मिलेगा थोड़ा सा आपको स्टेयरिंग के अंदर। आपको जो है ऑडियो बटन कंट्रोल मिल जाते हैं, सुजुकी का लोगो, कर लेते हैं अनरिवील। उसी के साथ साथ यहाँ पे हॉर्न, एयरबैग्स लिखा हुआ है,
तो इस तरीके का लगता है, स्टेरिंग क्रूज कंट्रोल नहीं आता है गाइस इस गाड़ी के अंदर। टू एयरबैग आ जाते हैं आपको, ये देखिए उस गाड़ी का जो है इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैं ये बंद कर लेता हूँ लाइट्स, आप देखिए किस तरीके का लगता है। आरपीएम मीटर आता है गाइस इसके अंदर, उसी के साथ साथ आपको जो है फ्यूल गेज मीटर आ जाता है। यहाँ पे आपको जो है फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा, अभी इस समय जो है करेक्ट नहीं दिखा रहा है, जब गाड़ी रन करेगी तो आपको करेक्ट दिखाएगा। उसी के साथ साथ आपको जो है इसके अंदर मिल जाता है ग्रीन कलर की जो लाइट दिख रही है, इसकी इकोनॉमी पता चलता है गाड़ी इको मोड पे चल रही है या फिर पावर मोड पे चल रही है। गाड़ी को मैं कर लेता हूँ एक बार स्टार्ट, गाड़ी काफी जो है गर्म फील हो रहा है अंदर साइड में। तो इस तरीके का लगता है गाइस इसका इंटीरियर। यहाँ पे जो है एसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको, 4 AC वेंट्स, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है कंपनी फिट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको, जो कि अच्छी बात है। 2D इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपको, सिंपल बेसिक रखा गया है सारी चीजें। मैं बंद कर देता हूँ ब्लोअर, थोड़ा कम स्पीड कर लेते हैं नहीं तो ब्लोअर की नॉइज आएगी यहाँ पे। उसके बाद वुडन इंटीरियर मिल जाता है, बढ़िया सा लगता है गाइस इसका इंटीरियर। डेफिनेटली आपको जो है अच्छा फील होगा। ये सिस्टम आप देख लीजिए, इसके अंदर सीडी प्लेयर चल जाती है, जिसके अंदर आपका जो है FM चल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चल जाती है आपकी इसके इसके अंदर। इसके बाद मैनुअल AC आपको इसके अंदर मिल जाता है, AC ऑन कर रखा है इस समय मैंने, और वही हमारे बेसिक वाले मोड मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है एक आपको प्राइवेसी वाली स्पेस दी हुई है, आपको चाहे तो शटर बंद कर सकते हैं, इवन ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, USB आपको सॉकेट मिल जाता है विद ऑक्स। उसके साथ आपको जो है कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है, इस तरीके का लगता है। ग्लव बॉक्स, कोई ग्लव बॉक्स में कूलिंग ग्लव बॉक्स नहीं आता, कोई इसमें लाइट नहीं आती है सच। ठीक है, यहाँ पे जो अच्छी बात लगी, आर्मरेस्ट दिया हुआ है बेस मॉडल से आपको सियाज में, वो भी लेदर रैप रैप जो है आर्मरेस्ट है। अगर मैं पीछे की स्पेस आपको जो है चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं बैठ जाता हूँ, मेरी हाइट जो है 5.5 इंचेस है गाइस, उसके हिसाब से तो काफी स्पेस मुझे यहाँ पे फील होगी डेफिनेटली। मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, अगर मैं मिडल की बात करूँ, मिडल में जो है आपको यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है, ये भी लाइट मैं ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस इस तरीके के जो है यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो आराम से जो है अभी यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस लेगरूम यहाँ पे मुझे मिल जाता है, बिल्कुल कंफर्टेबली मैं जो है बैठ पा रहा हूँ। बट हाँ, 6 फुट प्लस है, तो हो सकता है आपको जो है लेगरूम में कमी तो महसूस ना हो, पर यहाँ पे जो है डिस्टर्ब करे, रियर की जो सीट है वो डिस्टर्ब कर सकती है, इस तरीके का लगता है। फिर बैक साइड का प्रोफाइल आपको जो है यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिल जाता है विद कप होल्डर मिल जाता है, रियर वेंट AC मिल जाती है गाइस आपको, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ थोड़ी स्पेस मिल जाती है, फोन आप रख सकते हैं यहाँ पे। उसी के साथ मैगजीन होल्डर मिल जाती है, यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं। रियर का भी जो है फील आपको अच्छा आएगा, बिल्कुल ही स्पेशियस आपको आपको फील होगा, बहुत ही स्पेस यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मारुति की वन ऑफ द सेडान कार, दैट इज मारुति सियाज सिग्मा मॉडल, दैट इज द बेस वेरिएंट और वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी भी मॉडल है। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जाता है 9.3 लाख, दैट इज द एक्स शोरूम प्राइस। और इसमें डिफरेंट वेरियंट आपको मिल जाते हैं, हमने अभी सिग्मा के बारे में देखा, दैट इज 9.3। इसके अलावा इसका टॉप सेलिंग मॉडल आता है डेल्टा, दैट इज 9.9 लाख। इसके ऊपर आपको मिल जाता है जीटा, अल्फा, देन देयर इज डेल्टा ऑटोमेटिक, जीटा ऑटोमेटिक, एंड देन द टॉप मोस्ट इज अल्फा ऑटोमेटिक पेट्रोल, जो आपको कॉस्ट करता है 12.29 लाख, दैट इज द एक्स शोरूम प्राइस। तो ये तो बात हो गई डिफरेंट वेरिएंट और उसके प्राइस के बारे में। इसके अलावा अगर हम इसके की फीचर के बारे में देखें तो आपको इंजन इसमें मिल जाता है 1.5 लीटर का, दैट इज 1462 cc। BHP आपको 103.25 मिल जाता है। किलो एवरेज की बात करें तो ये आपको माइलेज निकाल के देती है 20.65 किलोमीटर पर लीटर, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ड्राइवर कैपेसिटी हाउ ही इज ड्राइविंग। बाकी बूट स्पेस आपको ह्यूज मिलता है, दैट इज 510 लीटर्स का। इसके अलावा इसमें काफी बड़े बड़े फीचर्स भी आते हैं, लेट अस गो बाय द फीचर क्या क्या है इसमें की स्पेसिफिकेशन। तो मैक्स पावर हमने जैसे देखा, ये आपको निकाल रहता है 103.25 BHP एट द रेट 6000 RPM, और मैक्स टॉर्क देता है आपको 138 Nm एट द रेट 4400 RPM। फ्यूल टाइप आपको इसमें पेट्रोल ही मिलता है, देन नंबर ऑफ सिलेंडर्स 4 होते हैं, और अगर आप फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो दैट इज 43 लीटर्स। तो ये एक सेडान कार है। इसके अलावा बिकॉज दिस इज सिग्मा, आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं और उसमें बहुत सारे फीचर निकाल भी देगा। तो आपको मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, पर इसमें जो नहीं मिलता है वो आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता है, जो आफ्टर मार्केट आप करा सकते हैं। देन इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है, अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है, फॉग लाइट फ्रंट नहीं मिलता है। बट जो मिलता है वो है आपको पावर विंडोज मिल जाती है फ्रंट और रेयर में, पैसेंजर एयर बैग मिल जाता है, देयर इज अ पावर स्टेयरिंग, एयर कंडीशनर, ड्राइवर एयर बैग मिल जाता है,
इसके अलावा आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है। तो इसके अलावा लेट अस गो टू इंजन एंड ट्रांसमिशन। इसके बारे में जैसे हमने हाई लेवल देखा था, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सीसी में 1462 सीसी आती है, पावर हमने देख लिया है। फ्यूल टाइप इज ओनली फॉर पेट्रोल, एवरेज हमने देख लिया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज 43 लीटर्स। अब डायमेंशन और कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कितनी लंबी और बड़ी कार है ये। तो लेंथ अगर देखे हैं एमएम में, तो ये होती है 4490, इसकी विथ होती है 1730, हाइट इज 1485, एवरीथिंग इज इन एमएम। बूट स्पेस आपको ह्यूज मिलता है 510 लीटर्स का। सीटिंग कैपेसिटी इज ऑफ 5, सो 5 लोग काफी कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं, 3 लोग पीछे बैठते हैं, तो काफी एडल्ट के लिए काफी स्पेशियस कार है। व्हील बेस देखेंगे तो इट इज 2650 mm। और सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है, पावर डोर लॉक मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है, एंटी थेफ्ट अलार्म, नंबर ऑफ एयर बैग आपको 2 मिलते हैं, दैट इज ड्राइवर एयर बैग एंड द को पैसेंजर। तो गाइज गाड़ी काफी प्रैक्टिकल है। अगर आपको लो मेंटेनेंस में कोई सेडान कार चाहिए तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द अंडर रेटेड है, बट काफी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।